हाथरस जनपद के कस्बा हसायन में फाइल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के योम ए पैदाइश की पूर्व संध्या पर मुस्लिम समुदाय ने जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। कस्बा हसायन ने लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी धर्म के लोगों का शामिल होना भी दर्शाता है कि छोटे से कस्बे में गंगा जमुना तहजीब दिखाई दी। ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर जानिम हसन समाज सेवी ने कहा कि हमारे कस्बे में पूर्व से ही सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का भी संदेश साफ है, अमन चैन और आपसी भाईचारे कभी न बिगड़े और मजलूमों की मदद करना, गरीबों का साथ देना, शांति का परिचय देना। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुस्लिम बस्ती मोहल्ला शीश ग्रहण स्थिति जमा मस्जिद से लेकर नूरी मस्जिद होते हुए कोतवाली तक पहुंचकर वापस जामा मस्जिद पर समाप्त कर दिया गया। इस दौरान जाहिद अली फौजी वरिष्ठ नेता सपा जानिब हसन समाज सेवी आमिर कुरैशी शहवाज अली अब्बासी आसिफ सिद्दीकी सोनू सेठ ओम प्रकाश यादव पूर्व चेयरमैन दुर्गा प्रसाद यादव सोनू अग्रवाल चंद्र प्रकाश माहौर चेयरमैन बाबी शर्मा समाज सेवी विष्णु पाठक समाज सेवी रामेश्वर यादव समाज सेवी सब्बीर पहलवान सभासद आमिर सिद्दीकी सहित आदि लोग उपस्थित रहे। आज कस्बा हसायन में जुलूस मोहम्मदी का जुलूस निकाला गया क्योंकि आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का दिन है। इसलिए कस्बा हसायन में तमाम सभी लोग सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि हसायन के अंदर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल नज़र आती है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो यौम पैदाइश का दिन है, जो पैगंबर हैं वो हमारे नहीं, वो सभी के पैगंबर हैं, पूरी दुनिया के पैगंबर हैं। लोगों को इल्म नहीं है इस बात का, इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब के लिए एक ही संदेश है, भाईचारा, मोहब्बत और आपस में मुत्तहिद रहें और गरीबों मजलूमों का साथ दें। यही हमारे हुजूर की मिसाल रही हैं और यही समाज के लिए सर्वोपरि है। तो आज हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एकता की मिसाल हसायन के अंदर हमेशा से रही है वो आज भी नज़र आई। सभी हमारे बुजुर्ग भाई नौजवान सभी दोस्त सभी लोग शामिल रहे और पुलिस प्रशासन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी इतनी बारिश होने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी को अंजाम तक पहुँचाया। हम सभी कस्बे के लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप सब ने फिर भाईचारा एक बार जिंदा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।